everyone. A very warm good evening to each and every one of you. I'm Anupriya, your social science educator, and I welcome you all to our channel of An Academy. So, jin bachchon ke paas An Academy learning app nahi hai, fatafat install karo and get 10% off using my code APRA10 on any subscription. Chahe wo plus ho ya iconic ho, aur uske baad apne exam mein acche tarike se ace karna with flying colors. So, this is my extra chhodu sa introduction. I've completed my post graduation in modern history from Miranda House till university. Mentored almost 10,000 students. Have more than 3 years of experience in online teaching, and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th. Now here students, I would like to tell you one thing ki whenever we are talking about Sunday ko sab bacche jante hain ki apna An Academy combat hota hai. So again this Sunday, that is on 25th July, we have mega combat. Aapko kuch nahi karna hai, mera code use kar lena hai, APRI10 community section mein jao, link wahan par aapko milega. For the students of class 9th and 10th, you can see that I have already marked that 11 o'clock is the time. So save your date, save the time, go and participate. स्कॉलरशिप यहाँ पर जीतो, अमेजिंग गुडीज यहाँ पर जीतो और एडुकेटर्स का नाम रोशन करो. भूलना मत, APRI10 इज द कोड जिससे आप इनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो एक्चुअली जिसके लिए मैं यहाँ पर ये सेशन बनाई हूँ, दैट इज द स्ट्रैटेजी सेशन ऑन हाउ टू अटेम्प्ट MCQs. सभी बच्चों को MCQ तो पता ही है क्या होता है, दैट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इस बार आपके एग्जाम्स में आने वाले. और जैसे ही MCQ की बात होती है ना, एवरी स्टूडेंट इज लाइक हाय, जिटरिश वाली फीलिंग आ जाती है दैट हाउ टू अटेम्प्ट MCQs. मैम बता दो कि कैसा वो तरीका है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या इसकी भी कोई स्ट्रैटेजी होती है? आंसर राइटिंग का तो सुना है, नोट मेकिंग का सुना है, MCQ में क्या कर सकते हैं? सो टुडे स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज. तो सेशन एंड तक देखना ताकि एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, समवेयर इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन. राइट, जैसे कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स का अपना टर्म 1 आने वाला है और उसमें आपको पता है कि MCQ क्वेश्चंस ही होने वाले हैं, वेदर इट्स अबाउट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, एनी अदर सब्जेक्ट. राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजीज. सो द नंबर 1 स्ट्रैटेजी हियर इज टाइम इज द की. तो बच्चों सबको पता है जब एग्जाम की बात होती है तो यार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE's अनाउंसमेंट, तो टर्म 1 में आपको अराउंड 90 मिनट्स का टाइम दिया है. तो इस अलॉटेड टाइम में आप किस तरीके से मैक्सिमम में मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, लेट मी टेल यू द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑन हाउ टू क्रैक द MCQ क्वेश्चंस और MCQs हियर. राइट, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, टाइम इज द की. आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से यू हैव टू अलॉट द टाइम फॉर ऑल द क्वेश्चंस हियर. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, इन फर्स्ट 15 मिनट्स, यस बच्चा लोग, दिस इज द प्रोसीजर हियर, इन फर्स्ट 15 मिनट्स प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार क्वेश्चन का पैटर्न देखो, समझो क्या क्वेश्चंस आए, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपके कौन से इजी क्वेश्चंस हैं जो देखते ही एकदम मतलब क्रैक हो गया है, और कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिसपे आपको टाइम लगने वाला है. ठीक है, सो द फर्स्ट 15 मिनट्स हियर वुड बी स्किमिंग द पेपर, ट्राई टू आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चंस, तुरंत आप उसको मार्क कर लो कि यस दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ द सेकेंड पार्ट हियर इज टू सॉल्व द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. सब बच्चे क्या करते हैं कि वो सीक्वेंस वाइज चलते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और बीच में हमेशा होता है कि आपके जो एग्जामिनर है ना, द पैटर्न इज सेट लाइक दिस कि बीच में आपके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो पक्का पक्की होने ही वाले हैं. तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फंस जाते हो और एंड में फिर आप क्या करते हो, हरी अप करने लगते हो, और उसमें जल्दबाजी में क्या होती है, दुर्घटना घट जाती है और आंसर्स गलत हो जाते हैं. सो द आइडिया हियर इज टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपके इजी क्वेश्चंस कौन है, ट्राई टू सॉल्व द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, एंड इन द लेटर पार्ट, आपका जो बीच वाला पार्ट होता है, दैट इज अराउंड 45 मिनट्स की अगर मैं बात करती हूँ या 30 मिनट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको फोकस क्या करना है भाई, इजी क्वेश्चंस को बना लेना है. फिर अपना जो बचा हुआ टाइम रहेगा, इन दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द हार्ड क्वेश्चंस. सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट. सैम्पल पेपर्स में देखना, उसमें आपको समझ में आएगा, अपने आपको टाइम अलॉट करके बैठना एज इफ एग्जाम सेंटर में बैठे हो, एंड ट्राई टू फॉलो दिस होल आइडिया कि टाइम अलॉटमेंट करना है, इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड हार्ड क्वेश्चंस लेटर ऑन. दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द यू नो साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट हियर कि आप जंप फ्रॉम इजी टू हार्ड, दिस इज समथिंग जो बच्चों को कॉन्फिडेंस भी देता है. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी हुई. द सेकेंड स्ट्रैटेजी दैट आई ऑलवेज फोकस ऑन इज डू नॉट फॉलो द सीक्वेंस.
नाउ आई हैव ऑल्सो गिवन अ लॉट ऑफ एग्जाम्स जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एमसीक्यूज की जब बात होती है ना, सिंपल लॉजिक है बच्चों, अगर आप सीक्वेंस में लग गए ना तो समवेयर आप बहुत सारे मार्क्स जो इजी क्वेश्चंस बाद में आपको दिखते हैं ना, आप बाद में करते हो ओ शिट ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको पहले कर लेना चाहिए था, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करो, नंबर वन बना तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, नंबर टू बना हाँ चलो ठीक है, थ्री बना, फोर बना, फाइव बना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप अटकोगे ही अटकोगे, उन क्वेश्चंस को हम बाद के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप बिना सीक्वेंस का हमेशा इजी टू हार्ड पे जंप करने की कोशिश करना। दिस इज द सेकंड स्ट्रेटजी दैट आई वांट टू टेल ईच एंड एवरीवन ऑफ यू, ट्राई टू इनकलकेट दैट एंड सी द चेंज इन योरसेल्फ कि किस तरीके से आपको एग्जैक्टली इसमें फायदा मिलने वाला है। जब हम लोग फोकस करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी पे, अगेन साइकोलॉजिकली विद अ लॉट ऑफ यू नो फैक्ट्स, यहाँ पर ये प्रूवन फैक्ट है बच्चों दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड फैक्ट जिसमें बच्चा लोग हमेशा गलती करता है। इनफैक्ट माई ऑल माई स्टूडेंट्स दे डू दिस बिकॉज मैं हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन पूछती हूँ, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन में नॉट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो बच्चा लोग क्या करते हैं, बहुत एकदम जल्दबाजी में वो यस 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 सब में करना शुरू कर देते हैं। दे जस्ट फॉरगेट टू अंडरस्टैंड, बाद में दोस्तों के साथ यहाँ पर डिस्कशन करते हैं पेपर का तो कहते हैं ओ शिट उस क्वेश्चन में तो नॉट पूछा था, मैंने वो क्यों कर दिया, उस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, मैंने करेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर कैसे फोकस कर लिया। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग जिसमें आप जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा मिस्टेक करते हो। ऑलवेज फोकस ऑन द की टर्म्स गिवन इन द क्वेश्चन, हमेशा नॉट और इनकरेक्ट हमेशा हाईलाइटेड भी रहता है, सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट और ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करके कभी मत आना, ठीक है। The next strategy here is that always look up for clues in questions if confused. बहुत सारे ऐसे questions होते हैं बच्चों जहाँ पर थोड़ा तो अपना confusion create हो ही जाता है कि answer B होगा या answer C होगा, similar लग रहा है। तो यहाँ पर context based आपकी memory के ऊपर आपको यहाँ पर answer करना है। Basically idea क्या है, आप थोड़ा visualize करो, थोड़ा time लो और सोचो कि यार कहीं तो ये पढ़ा था, कहीं तो कुछ पढ़ा था, और क्वेश्चन में पता नहीं कभी ना कभी होता है कि आपको क्लूज मिल ही जाते हैं, और अगर क्लूज मिल गए तो आपका आंसर भी आपको ऐसे ही दिख जाएगा। सो ये सब देखो साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट्स है कि अगर एमसीक्यूज के जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी अपना क्लू छिपा हुआ होता है और आंसर्स आपको उस तरीके से मिल जाता है। कभी अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरीके को भी अपना कर देखना, लुक एट द क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी के ऊपर फोकस करना कभी कहाँ पढ़ा था, और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आंसर क्लिक कर ही जाएगा। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं, जहाँ पे आपको मैथ्स में तो ये पक्का पक्की काम आने वाला है, ये साइंस सोशल साइंस सब जगह काम आता है। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। नाउ दिस इज समथिंग जिसमें हर एक बच्चा को थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। अगेन सब बच्चे कहते हैं कि मैम एलिमिनेशन मेथड कैसे सीखे। अगर आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी अपने चार अगर ऑप्शंस हैं, देन आई एम डेड श्योर कि इसमें से दो ऑप्शन होंगे जो एकदम इररिलेवेंट होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, पर्टेनिंग टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। तो दो ऑप्शन को आपको ऐसे एलिमिनेट करना है, ऑब्वियसली पहले आप पढ़ोगे तभी तो ये कर पाओगे तो बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनी क्या कहती है कि किसी भी क्वेश्चन में लेट्स से कि अगर आप नहीं पढ़ पाए हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी उस आइडिया उस टॉपिक का आइडिया, तो मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन जो कि एकदम दिख रहा है कि यहाँ पर रेलिवेंट ही नहीं है। तो लेट्स से दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट आप ऐसे ही कर दोगे, फिर आपके दो ऑप्शन जो बचते हैं ना उसमें हमें स्मार्टली वर्क करना होता है, उसमें आप कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करोगे, यू विल ट्राई टू बिल्ड अप अ कनेक्शन, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको ऐसा एक कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको लगेगा दैट दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर आपको ऐसे दो क्वेश्चन जरूर देते हैं जहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो दो तीन ऑप्शन को हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, उसका उस टॉपिक से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो सोशल साइंस में आप ये डेफिनेटली कर सकते हो, आप मैथ्स में भी ये डेफिनेटली कर सकते हो, पुटिंग अप दी वैल्यूज, अगर बहुत टाइम लग रहा है तो आप ऑप्शन में से वैल्यूज पुट अप करना शुरू करो, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एस इन योर एग्जाम्स जब आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑप्शंस, अगर कोई भी ऑप्शन अगर आप देखो ना, तो आपका जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, मतलब कि जो ऑप्शन में सबसे लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है ना, समवेयर प्रोबेबिलिटी वही होती है कि करेक्ट आंसर होना है।
क्योंकि यहाँ पर आपके जो एग्जामिनर है ना, आपको जो करेक्ट आंसर देते हैं उसमें वो चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर क्या हो, डिस्प्यूट ना हो, ठीक है। तो हमेशा फोकस करना इस चीज़ पे कि क्या ये लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट आपको जो दिख रहा है ये कहीं करेक्ट है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी होगी कि करेक्ट आंसर वही होगा, ठीक है। तो ये सब आपके यू नो प्रूवन फैक्ट्स हैं। द लास्ट ईयर द लास्ट स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इज ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द ऑप्शंस दैट इज नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। नाउ अगेन दिस इज द प्रूवन फैक्ट हियर कि ऑलमोस्ट 97%, ठीक है, 97% अपना क्या होता है अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शंस आते हैं। अब देखो 100% किसी पे नहीं कहा जा सकता है, बट कहीं ना कहीं आपका लक इसमें साथ दे सकता है कि मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है कि करना क्या है और उसमें आपके ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव है, तो MCQ में एलिमिनेशन मेथड हो या ये तरीका हो, इसमें देखा गया है बाय अ लॉट ऑफ यू नो पीपल हु हैव ट्राइड टू रिसर्च ऑन दी MCQ, जो भी आपके पैटर्न होते हैं उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने ये फैक्ट यहाँ पर प्रूव किया है कि 97% टाइम यहाँ पर देखा गया है कि आंसर जो आपका होता है दैट इज़ नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, बट इफ़ यू सी कि आपके तीनों ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द जेन्युइन आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। कभी कभी नन ऑफ द अबव भी आंसर होता है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इस हैक को यूज कर सकते हो। बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट द होल पॉइंट हियर इज कि सब कुछ ठीक है, स्ट्रैटेजीज आप समझ जाओगे, आप टाइम अलॉटमेंट की बात समझ गए, आप समझ गए कि आपको सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो नहीं करना है, आप इजी टू हार्ट पे जंप करोगे, आप समझ गए कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी है एंड आई होप दैट यू वुड रियली लव दिस कि ये स्ट्रैटेजीज शायद आपने पहले कभी ना देखी हो या फॉलो ना की हो तो अब आप शुरू कर देना। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि हमेशा ये डिसाइड कर लेना शुरू में ही कि आप क्वेश्चन के साथ MCQ पेपर में पहले मार्क करोगे या फिर पहले आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और MCQ के आंसर्स आप बाद में यहां पर सर्कल या कलर करोगे। दिस इज वन थिंग दैट यू गाइज नीड टू डिसाइड। द बेस्ट आइडिया हियर इज कि हमेशा आप या तो क्वेश्चन के साथ करो, ठीक है, नहीं तो आप एंड में एटलीस्ट 20 या 30 मिनट्स आपको या 25 मिनट्स आपको देना पड़ेगा MCQ में आंसर्स को मार्क करने के लिए। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप साथ में करना चाहते हो या फिर एंड में करना चाहते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन। यू गाइज नीड टू प्रैक्टिस एज मेनी MCQs, मतलब लिमिटलेस करना है ताकि आप सारे बच्चे टर्म वन में फ्लाइंग कलर्स के साथ एस करो अपने एग्जाम में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्ट्रैटेजी, आई होप दैट एवरीवन लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट कि आपको क्या पसंद आया, कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे अच्छी लगी। दीज आर सम थिंग्स जो आपको कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर ड्रॉप करना है आफ्टर द स्ट्रीमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, बग्स बाउंटी के बारे में आप सभी बच्चों को बताइए दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इफ दे फाइंड इन द वीडियो। आपको यहाँ पर मिलेगा प्राइजेस अगर आप वो फर्स्ट पर्सन होते हैं इन ऑर्डर टू रिपोर्ट दैट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा देखो बच्चों, दिस इज द नीड ऑफ आवर, जो क्लास 10th के बच्चे अभी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, फटाफट जाओ जल्दी से सब्सक्रिप्शन लो आइकॉनिक और प्लस का। यहाँ पर आपका मेगा ऑफर सिर्फ और सिर्फ 25 जुलाई तक है, तो जल्दी से रश ऑफ करो और सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का लेते हो तो CBSE और क्रिएटिव कॉर्नर आपको +2 +2 फ्री मिलेगा। 24 से 48 के बीच में 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा, 60 से 84 मंथ्स के बीच में +6 एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन एक चीज जो सारे बच्चों को याद रखनी है वो क्या है, वो है अनु मैम का कोड दैट इज APRI10। तो श्रद्धा भक्ति के साथ आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवेल 10% डिस्काउंट। यू गाइस कैन जॉइन मी ऑन फिनिक्स सोशल फॉर जस्ट 9th and 10th, जहां पर आपको मैं क्लासेस 9th and 10th को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। आस्क अबाउट फीचर की जब बात करते हैं तो जितने भी मेरे संकोची या इंट्रोवर्ट बच्चे हैं उनके पास सुनहरा मौका है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आस्क अबाउट फीचर का सदुपयोग करने का। आप बच्चे कभी भी डाउट्स पूछ सकते हो एंड यू विल रिसीव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड। डूज एंड डोंट्स के ऊपर फोकस करना, आपको क्वेश्चन वन क्वेश्चन एट अ टाइम करना है, क्वेश्चन एकदम फोटोग्राफी स्किल्स दिखानी है, क्लिक करना है, क्रॉप करना है, सब्जेक्ट डिफाइन करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर डोंट्स में क्या नहीं करना है, मल्टीपल डाउट सिंगल इमेज में कभी मत पोस्ट करना, कभी भी हैंड रिटन क्वेश्चंस पोस्ट मत करना, ब्लर्ड इमेजेस या इनकम्प्लीट क्वेश्चंस पोस्ट मत करना। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शंस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है कि यहाँ पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर
पर आपके सारे टॉप नॉच एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। एक्सटेंसिव कवरेज होगा सिलेबस का, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस है, अनलिमिटेड एक्सेस है सारे कोर्सेज का, कोई भी बैच कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी, डेली प्रैक्टिस सेट्स आपके होते रहते हैं, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव टेस्ट में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो इन ऑर्डर टू इवेलुएट योर सेल्फ। सो दिस इज द नीड ऑफ आर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। 9 to 12 का सब्सक्रिप्शन अपना कॉम्बो है बच्चों, मंथली सब्सक्रिप्शन एंड मंथली पेमेंट। हमेशा फोकस करो लंबे टर्म का, यानी कि 12 मंथ से 15 या 18 मंथ्स का जो भी आप लेना चाहते हो। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो तो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 1125 रुपीज, और बस आपको कोड याद रखना है APRI10। जब मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करती हूँ, हमेशा कहती हूँ अगर आपको आइकॉनिक बनना है तो ले लो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर प्लस के तो सारे फीचर्स है, उसके अलावा पर्सनल मेंटर मिलेंगे हमेशा, जो आपके लिए प्रकट हो जाएंगे ऐप में। लाइव डॉट सॉल्यूशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस, वीकली रिपोर्ट मिलेगा आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, पेरेंट्स यहाँ पर मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर भी मिलेगा। भाई इवैल्यूएशन का तो मतलब ही सीन अपना डन डना डन है। उसके अलावा रेज अ हैंड फीचर है, जहां पर आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो अपने एडुकेटर्स के साथ, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कोई मिस करना चाहता है। सो 3 मंथ से लेके 48 मंथ्स तक का है बच्चों, 12 मंथ्स का अगर आप लेते हो तो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 2100 रुपीज। कोड आप मेरा यूज कर लेना APRI10 10% ऑफ के लिए। अगर आपको पार्ट्स में पे करना है तो अगर 12 मंथ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो बच्चों, तो आप पार्ट्स में यहाँ पर पे कर सकते हो, यानी कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको सब कुछ मिल रहा है। तो दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग टाइम एंड अगेन, प्लीज डू नॉट मिस ऑन दिस। ये अपॉर्चुनिटीज बार बार आपको नहीं मिल पाएंगी, ऑफर भी चल रहा है, जल्दी से जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो और मेरा कोड यूज कर लेना। ओके, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, आई होप दैट एवरीवन लव द सेशन और कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रैटेजी जरूर काम आएगी। सो लेट्स क्रैक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू यू नो सी ऑल द अमेजिंग सेशंस ऑन दिस YT फेस्ट। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज अगेन।